सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं रोब्लॉक्स का सबसे ज्यादा वायरल गेम जिसका नाम है डोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने डोर्स पहले भी खेला हुआ है, पर अब मैं इसको बहुत टाइम बाद खेलने वाला हूँ। और मैंने भी सुना था इसका अपडेट भी आने वाला था, तो मुझे नहीं पता अपडेट के बाद इसके अंदर क्या चेंजेस आए होंगे, पर मैंने इतना सुना है इसके अंदर कॉइंस कलेक्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और कोई स्केलेटन की भी आई है। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमको क्या देखने को मिलता है। सो लेट्स गो। अब हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट और हमने अभी कुछ नहीं खरीदना है। और ना आज हमारे घर पे नेटवर्क इशू भी है, तो ये बटन्स वगैरह ना थोड़े ढंग से नहीं दिख रहे। पहला डोर तो हर बार सेम ही होता है, तो वो तो मेरे को याद है। तो अब हमें जाना है और वहां से वो की लेके आ जानी है उस बोर्ड से, और फिर हमें वो गेट खोल लेना है। आगे के डोर्स में देखते हैं कि अगर कोई चेंज होता है या नहीं होता। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा गेम। अब डोर 1 अनलॉक्ड, तो चलते हैं आगे। अभी इतना अंधेरा क्यों आ रहा है भाई? तो चलो आगे, यहाँ पे कोई कॉन्स भी नहीं है। ये गंदी सी अलमीरा जो यहाँ पे पड़ी रहती हैं सारा टाइम। सो लेट्स गो, अभी हम चलते हैं यहाँ पे आगे। डोर 3 भी हमारा क्रॉस हो चुका है। ये देखो, ये एकदम से नेटवर्क का इशू आ रहा है, सारा कुछ एकदम से डार्क आता है और फिर एकदम से लाइट हो जाता है। अब हम डोर 4 पे आ चुके हैं और अब हम ये भी खोलते हैं क्योंकि हमको कॉइन्स कलेक्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना एटलीस्ट तुमको 500 कॉइन्स तो चाहिए। और इसके अंदर एक क्रूसिफिक्स भी आया है शायद। क्रूसिफिक्स से हम किसी भी मोब को मार सकते हैं या किसी भी एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं। ये कितनी जगह चेंज हो गई ना, पहले तो ये बिल्कुल खंडर सी होती थी, अभी कितनी सुंदर हो गई। तो अब चल के आगे देखते हैं आगे अब ये कहाँ पे मिलेगा। ये बड़ी भी कर दी पहले से, वेंट भी आ गया इसमें, ओ माय गॉड। तो यहाँ से आगे चलो, ये तो फिर भूलभुलैया जैसा हो चुका है पूरा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा बार बार ढूंढना अगर किसी दिन अंधेरा हो, रश आ जाए एकदम से। तो अब चलो यहाँ से बाहर और अब चलते हैं हम अपने अगले डोर पे। अभी यहाँ से एक बार ही बाहर निकलते हैं, बस अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ पे बैरल्स भी रख दिए ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ये बैरल्स पड़े हुए। अब यहाँ से हम चलते हैं और अभी हमारा डोर 6। ये देखो, ये एकदम से अंधेरा आ रहा है। अब ये ड्रॉर्स खोलते हैं। अब हमारे पास हो चुके हैं 75 रुपीज़ और अब हमारे पास हो चुके हैं अभी भी 75 गोल्ड कॉइन्स। अब चलते हैं आगे। इनमें तो हमेशा की तरह कुछ नहीं रखा हुआ, बस कॉइन्स ही रखे हुए हैं। और डोर 7 पे अब देखते हैं। बाकी गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इधर आ चुके हैं, यहाँ पे अभी हमारा डोर नंबर 8 आया था। सो अभी हम चलते हैं आगे। अभी ये हमारा डोर 11, पिछले वाला 10 था। ये इधर ये खोल लो। हमारे पास 180 कॉइन्स हो चुके हैं गाइस, मेरे को लगता है हम कर लेंगे 500 कॉइन्स तो इजीली। अब हमारे पास है 13th डोर पर और अब इसके बाद रश आने का डर हो जाता है। और अब मैं आपको एक गाइस एक स्पीड रन की ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है ना यहाँ से जल जल्दी, तो आप पीछे से भी ले सकते हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आपके स्पीड रन में और टाइम भी कम कंज्यूम होएगा। सो लेट्स गो। यहाँ से हमको कितने सारे कॉइन्स मिलते हैं ना गाइज, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान होता है। जैसे ये रूम आता है ना, मैं तो खुशी हो जाता हूँ कि अब मेरे को अच्छा अच्छा सामान मिलेगा। अब मैंने यहाँ से भी गोल्ड ले लिया। ये गोल्ड बार्स होती है ना, इनसे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है, पर ये रेयर बहुत ज़्यादा होती हैं वो छोटे गोल्ड कॉइन्स से। तो अब रश आने वाला है, हम तो इस एक बार रूम में बैठ जाते हैं, पर बाद में तो छुपना पड़ेगा, वरना मैंने तो सुना है वो कभी कभी ना ग्लिच के कारण भी आउट हो जाते हैं इस रीज़न से। अब छुपने का टाइम आ ही चुका है बेड के अंदर। ओ माय गॉड, इतना अंधेरा हो जाता है ना, पूरी वो लाइटर ही हमारा यूज़ हो जाता है ऐसी चीज़ों में। लाइटर को अच्छे मोमेंट्स पे यूज़ करने का फ़ायदा होता है जब बहुत ज़्यादा ही लगातार 3-3 लेवल तक अंधेरा आता रहे। पर जब ऐसे लेवल्स पे लाइटर यूज़ करना पड़ जाता है ना, तब दिक्कत आती है। जैसे अब ये देखो स्क्रीच आ गया बीच में। स्क्रीच तो सीरियसली बहुत ही परेशान करता है, स्क्रीच के साथ तो गेम खेलना ही मुश्किल हो जाता है मेरा। सो गाइज, मैं तो कहता हूँ ना जल्दी जल्दी से गाइडिंग लाइट आ जाए बस, अदरवाइज ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इतने अंधेरे में की को ढूंढना। और वैसे भी अब तो मेरे को स्क्रीच ने परेशान ही कर दिया। एक तो इतना अंधेरा है, डोर्स वालों ने एक क्रिएचर बनाया क्यों है, इतनी इतनी हेल्थ खा जाता है और इतना अनोइंग क्रिएचर है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकता। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। बस मैं तो कहता हूँ बस गाइडिंग लाइट जल्दी आए। और ये मैं बेड के अंदर क्यों छुप गया, जल्दी बाहर निकल। और अब यहाँ से चलो, और अब ये गाइडिंग लाइट आ गई। यस, अब हमें चलना है हमारी की को ढूंढने। आई गेस तो इस डोर में है। अब चलते हैं यहाँ से आगे और अब हम चलते हैं डोर नंबर 17 की को लेकर। पर पहले हम उससे पहले ये वाला रूम भी देख लेते हैं, कल को कॉइन्स मिल जाए क्या पता, या कुछ अच्छा भी मिल जाए लाइक अ लाइटर या कुछ।
मेरे को ना डोर्स गेम में सीख बहुत हार्ड लगता है। सीख तो बहुत डेफिनेटली हार्ड है। इस वीडियो के लिए मैं मेरा गोल रखूंगा 35 डोर्स तक, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मैं उससे आगे निकल पाऊंगा। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। चलो यहाँ से भी हम आगे निकल गए और पहले ये सारी लूट ले लेते हैं हम। ओ ये एक डबल डोर था, थैंक गॉड मैं इसमें नहीं आया था पहले, अदरवाइज मैं ये खोल लेता और फिर मेरी हेल्थ चल जाती बहुत ज़्यादा। ड्यूक मेरे को मार देता आके, वो पूरा तो नहीं मारता पर वो मोस्टली हेल्थ ले जाता है बंदे की, मैंने सुना है। अब यहाँ से हम चलते हैं, पर अब हम चलते हैं हमारी जगह पर। ये वाला डोर था हमारा, और अब हम किस रूम में आ चुके हैं, रूम नंबर मैंने देखा ही नहीं गाइस। अब यहाँ से आगे चलते हैं, रूम नंबर 19। अब इधर से हम चलते हैं आगे। ये वाले डोर बहुत सिंपल होते हैं, आगे जाना होता है और तो कुछ करना नहीं होता। जिसे लॉक वाला है, अब देखना लॉक किसी ड्रॉअर में होगा या बेड के ऊपर होगा। देखा मैंने यही कहा था, वो बेड के ऊपर ही है। अब हम इधर भी आ चुके हैं, देखो ये भी एक सिंपल डोर ही है। मेरे को लगता है अपडेट के बाद गेम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और या तो बहुत सारी नई नई एंटिटीज आ जाएंगी। मैंने तो सुना था ना सारी एंटिटीज ही चेंज हो जाएंगी। अब जल्दी जल्दी छुप जाते हैं, रश आ रहा है अदरवाइज। अब हमको जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं, अब बारह सिटी आ रहा है, आ गया। यस गाइस, हमने रश को सर्वाइव कर लिया और अब चलते आगे वाले डोर में। ये कैसा डोर है? अच्छा ये था रास्ता, ये आई गेस एक नया रूम आया बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ से चलते हैं रूम नंबर 26 पे। अब हम ये डोर खोलते हैं, इसके अंदर हमको कॉइन्स मिल गए। ओ ये मैंने अभी क्यों पी लिया मल्टीविटामिन्स, अब इससे अभी ये वेस्ट हो गया। अगर बाद में मेरी हेल्थ जाए तो मैं इसको तब यूज़ करना था, ये अभी यूज़ हो गया मेरे से बाय चांस। तो जल्दी जल्दी हम इस डोर को लूटते हैं, इसके अंदर हमको मिल गया है लॉक पिक और अब बाकियों में भी देखते हैं। हमको इधर की भी मिल गई ईजिली, तो अभी लॉक पिक तो क्या यूज़ करना, हम तो यूज़ करेंगे की। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे डोर पे, डोर 28 पे। तो गाइज हम आ ही चुके हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और यहाँ पे एक बड़ा वाला रूम आ गया। बड़े रूम बहुत अनोइंग होते हैं, इनके अंदर ट्रेजर तो बहुत होता है और इसके अंदर की ढूंढनी हो जाती है, पर जब एक रूम अंधेरे में आ जाए तब तो मान लो बंदा बस आउट ही है, तब तो नहीं जीत सकता। ये देखो कितने बड़े बड़े रूम है, एक रूम में भले दो दो डोर। ओ यस मिल गई की, जो मैंने बोला उसका उल्टा ही होता है, पर ये तो बहुत इजी निकल गया। पर अब देखते हैं कि लगानी भी किधर है। आई थिंक सो तो उस वाले डोर में जाके लगानी पड़ती है, वहाँ से रास्ता निकलता है। यहाँ पे हम चलते हैं, ये तो छोटा सा ही रूम है बिल्कुल, फिर उधर साइड वाले में होएगा आई गेस सो, क्योंकि इस अलमीरा के पीछे ही है दूसरे वाला सेक्शन इस रूम का। अब हम यहाँ पर चलते हैं, हाँ ये रहा दूसरा सेक्शन। अब यहाँ से हमको जाके वो की लगा देनी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और अब हम आ चुके हैं डोर नंबर 29 में, हम एंटर कर चुके हैं। अब इसके अंदर यार दो दो रूम्स हैं, बस भगवान जी कहें ये वाला ही सही हो। ओ यस, अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। ये नीचे वाली जगह तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एपिक कर दी, बहुत ऑसम जगह है ये तो। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं वो किधर है हमारा लीवर। लीवर वापस इस वेंट की जगह पे ही होगा ये दसो, हाँ ये रहा वेंट के पास। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। मेरा गोल इस वीडियो के लिए डोर नंबर 35 है, जे मैं वहाँ तक पहुँच गया मैं खुश हूँगा। ओ गाइज मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, मेरे तो कॉइन्स 500 से एक्सीड कर गए ऑलरेडी, 550 हो चुके हैं। ये देखो अब हमारे पास आ चुका है ये बड़ा रूम, वो भी डार्क में, और अब देखते हैं मैं यहाँ से निकल पाता। ओह शिट ये क्या था, मीट टिमथी, अभी तक तो मैं डर रहा था, ये कैसा नाम है टिमथी। गाइज अगर अब मैं मरने के साइड पे हुआ ना तो मैं जल्दी जल्दी बस लॉक पिक यूज़ कर लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा की ढूंढने में, क्योंकि फिर की ढूंढने लग गया ना तो फिर तो स्क्रीच ने मेरे को वैसे ही मार देना है, कभी ना कभी आ ही जाएगा। मैं कितनी बार ही उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, वैसे भी मेरी जो है ना वॉल्यूम वो थोड़ी कम कर रखी है, अभी मैंने फुल पे नहीं कर रखी। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, लाइटर ऑन किया और अब हम आगे इस डोर में देखने के लिए। यार किधर है, मैं तो कहता ना वापस गाइडिंग लाइट आ जाए, अंधेरे में तो कुछ हो ही नहीं पाता, बस गाइडिंग लाइट ही बता पाती है कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो अब यहाँ से भी चलते हैं, किधर है यार जल्दी आ जा की, इस वाली डोर में है क्या, यहाँ पे वो आने लग गई गाइडिंग लाइट, ये तो डोर को दिखा रहा है गाइडिंग लाइट। यहाँ पे चलो हमको पैसा मिल गया,
यार गाइडिंग लाइट है तो अब तो हम आराम से ढूंढ ही सकते हैं किधर है की की आई गैस। तो उधर दिखा रहे हो उस ड्रोर के पास। ओहो स्क्रीच, चलो देखते हैं। अब ये रही हमारी ड्रोर जिसके अंदर है हमारी की। 32 डोर में हम आ चुके हैं अब। तब 32 डोर को पार करने के बाद अब हमारी जीत होने वाली है। यस गाइस, बस 35 तक पहुंच जाए गाइस, अब हम जीतने वाली हैं। बस जो हमारा गोल है 35, अगर 35 हो गया तो हम जीत गए बस। बाकी अगर सीख पार कर लिया तो ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करता ही है, क्योंकि ये वीडियो बहुत एपिक हो जाएगी जी, क्योंकि मैं पहली बार सीख को क्रॉस करूंगा। आ रहा है रशिया? नहीं आ रहा। ये तो धक धक होने लगी अलमीरा के अंदर। चलो अब हम चलते हैं। ये ग्लिच आ रहा है यार नेटवर्क का। अब आ रहा है रश और बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है मेरे को तो लगता है। जल्दी जल्दी छुप जाते हैं। आ गया और चली गई लाइट्स। ओ चलो उसने हमको बता दिया कौन सा डोर है, क्योंकि दो दो डोर्स थे ना उधर। वो मेरे कॉइन्स 700 हो गए। अब तो गाइस कोई चिंता ही नहीं है कॉइन्स की, तो अब तो बस हम जल्दी जल्दी चलते रहेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सामान ढूंढेंगे बीच बीच में, क्योंकि ना लाइटर की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे। अब चलते हैं आगे। ओ अब सीख आने वाला है गाइस। अगर सीख पार हो गया तो ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करती है, और सब्सक्राइब भी, और आप कमेंट भी करना रोहान इज़ द बेस्ट। पर अगर मैंने सीख को पार नहीं करा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना और कहना गुड लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है गाइस। और ये पेंटिंग्स भी चेंज हो चुकी हैं सीख के आने के बाद। इंडोर्स के अंदर कुछ पक्का ट्रेजर होएगा। इसके अंदर तो छोटे से कोड ही निकली है। अब उस आगे वाले डोर में देखते हैं। चलो अब इसके अंदर देखते हैं। ओ ये कैसा ट्रेजर है, इसको आई थिंक से लॉक पिक में खोलना पड़ेगा। लॉक पिक से इसको खोला और इसके अंदर हमको इतने कॉइंस मिल गए गाइस। 900 हो चुके हैं मेरे सारे कॉइंस मिलाकर। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं आगे वाले डोर में। आई थिंक सो आ जाएगा कभी भी अब सीख। ओ अब आने वाला है सीख गाइस। अब दिल में धक 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 हो रही है, बस मैं बच जाऊँ सीख से। बाकी चांसेस तो कम ही है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सीख को पार किया। मैं तो बस गाइडिंग लाइट के भरोसे ही होता हूँ। जहाँ पे मेरे को गाइडिंग लाइट दिखती है मैं उधर ही चला जाता हूँ। ये तो भागने लग गया भाई, भागो जल्दी 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 जल्दी, झुक जा उठ जा। अब हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। और अभी ना आप म्यूजिक सुन नहीं पा रहे होगे, पर ये म्यूजिक अभी इतना इंटेंस है ना। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को दूसरी साइड जाना था, मैंने उल्टा रास्ता मार लिया। हाय शिट गाइस, शिट मर गए गाइस। सो गाइस अब हम मर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और